गाइज आज प्रणवी को बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड इंडिया सिनेमा में रिलीज हुए 63 दिन कंप्लीट हो चुके, 2 महीने कंप्लीट हो चुके और गाइज अब प्रणवी का कलेक्शन दी एंड हो चुका। अभी सिनेमा हॉल से प्रणवी को हटा दिया गया है और अब मूवी आपको सिर्फ OTT वर्जन में प्राइम वीडियो पे देखने को मिलेगी। गाइज प्रणवी ने अपने OTT राइट्स प्राइम वीडियो को पूरे 100 करोड़ के सेल आउट कर दिए थे। गाइज इस वीडियो में बात करेंगे पठान मूवी लाइफ टाइम अब तक कितने टिकट आउट कर चुकी, कितनी ऑडियंस ने पठान मूवी को देखा है, बात करेंगे बाहुबली 2 को कितनी ऑडियंस ने देखा था, इस मूवी का कितना कलेक्शन था और इस मूवी का बजट कितना था, KGF 2 के बारे में बात करेंगे, KGF चैप्टर 2 के कितने लोगों ने देखा था, कितने टिकट सेल आउट हुए थे और KGF चैप्टर 2 का बजट कितना था और KGF चैप्टर 2 ने कमाई कितना किया था। KGF चैप्टर 2 ने 2022 में बॉक्स ऑफिस में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को कायम किया था। हिंदी बजट में पहले दिन 53 करोड़ का ओपनिंग लेके 2022 का नंबर 1 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था, जिसको 2023 में पठान मूवी ने 57 करोड़ के साथ तोड़ दिया था और बाहुबली आल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी रहने वाली 1810 करोड़ का कलेक्शन करने वाली इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी हुई। अगर बात करें बाहुबली 2 का भी बजट 250 करोड़ था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस अगर बात करें सबसे पहले बाहुबली 2 के फुटबॉल्स के बारे में तो गाइस बाहुबली 2 को 2017 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था। इस मूवी को 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने देखा था और इस मूवी के 10 करोड़ 82 लाख टिकट सोल्ड आउट हुए थे। गाइस अनलिखित ऑडियंस ने इस मूवी को देखा था। बात करें KGF चैप्टर 2 को 5 करोड़ 16 लाख लोगों ने देखा था और 5 करोड़ 16 लाख KGF चैप्टर 2 के लाइफ टाइम में टिकट सॉलिड हुए थे। और गाइस जब बात करें पठान मूवी की तो पठान के कितने टिकट सॉलिड हो चुके हैं। गाइस अगर बात करें बाहुबली 2 को 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने देखा था, जिसकी वजह से बाहुबली 2 का कलेक्शन 1810 करोड़ हो पाया था, जबकि KGF चैप्टर 2 को 5 करोड़ लोगों ने देखा था, जिसकी वजह से KGF चैप्टर 2 का कलेक्शन था 1250 करोड़। गाइस अगर बात करें शाहरुख खान की, अभी तक कोई भी एक ऐसी मूवी नहीं जिसका फुटफॉल 500 करोड़ से ऊपर गया और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस मूवी का जो फुटफॉल था, इस मूवी के जो टिकट सॉल्ड हुए थे वो 4 करोड़ 80 लाख थे। गाइस अगर बात करें पठान मूवी के तो गाइस पठान मूवी दिल वाले दुल्हनिया को बीट करने में नाकाम रही। गाइस सिर्फ पठान मूवी के लाइफ टाइम में अब तक जो टिकट सॉल्ड हुए हैं वो केवल 3 करोड़ 45 लाख हैं। टिकट गाइस बहुत कम सॉल्ड हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद पठान मूवी ने वर्ल्ड वाइड में 1050 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। गाइस अगर आप इस मूवी को कंपेयर करते हो बाहुबली और KGF चैप्टर 2 के साथ, अगर पठान मूवी के 3.5 करोड़ टिकट सॉल्ड होते एज कम्पेयर टू, अगर आप बाहुबली KGF फिल्म मुआवजना करते उस वक्त जो टिकट का प्राइस था, अब तक प्रणवी का जो कलेक्शन होता वो 800 या 900 करोड़ ही होता, लेकिन अब 2023 में टिकट काफ़ी ज़्यादा महंगे बिके, जिसकी वजह से पठान मूवी ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया है। गाइस प्रभास की 3 मूवीज जिन्होंने 300 करोड़ का इंडिया से कलेक्शन किया है, सलमान खान की 3 मूवीज जिन्होंने 300 करोड़ का इंडिया से कलेक्शन किया है और शाहरुख खान की केवल एक पठान ही मूवी है जिसने इंडिया से 300 करोड़ का कलेक्शन किया है। अगर शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी जवान और डंकी 300 करोड़ का कलेक्शन कर लेती इंडिया से, तो गाइस शाहरुख खान भी सलमान खान और प्रभास के साथ इंटर हो जाएंगे। गाइस अगर बात करें KGF चैप्टर 1 ने इंडिया में हिंदी बेल्ट में 44 करोड़ का कलेक्शन किया था, KGF चैप्टर 2 ने इंडिया में हिंदी बेल्ट से 434 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि बात करें बाहुबली 1 ने इंडिया से 118 करोड़ का कलेक्शन किया था और बाहुबली 2 ने इंडिया से हिंदी बेल्ट में 511 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब पठान में भी सिंगल वर्जन आया जिसने 530 करोड़ का इंडिया हिंदी बेल्ट में कलेक्शन कर लिया लाइफ टाइम में। और गाइस सोचो अगर पठान 2 आती है तो गाइस ये तो 600-700 करोड़ आंकड़े को इजीली पार कर लेगी। अब तक इंडिया में 5 ही ऐसी मूवीज हैं जिन्होंने 1000 करोड़ के आंकड़े को पार किया है, जिसमें सुपरस्टार आमिर खान की दंगल मूवी नंबर 1 पे आती है। गाइस दंगल मूवी का बजट केवल 70 करोड़ था और दंगल मूवी ने लाइफ टाइम में पूरे वर्ल्ड वाइड में 2100 करोड़ का कलेक्शन किया और चाइना से दंगल मूवी ने 1300 करोड़ का कलेक्शन किया था। नंबर 2 पे बाहुबली 2 आती है जिसका बजट 250 करोड़ था, बाहुबली 2 ने लाइफ टाइम में 1810 करोड़ का कलेक्शन किया है। नंबर 3 पे KGF चैप्टर 2, नंबर 4 पे ट्रिपल आर मूवी आती है जिसका बजट 600 करोड़ था, ट्रिपल आर मूवी ने लाइफ टाइम में 1233 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल रही है। और नंबर 5 पे पठान मूवी है 1050 करोड़ के आंकड़े को पार करती हुई, बॉक्स ऑफिस पे अभी भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हमको देखने को मिल रहा है। और किसी आप लोग कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतने, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।